माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में रोसरी प्रार्थना के द्वारा हुए कुछ चमत्कारों के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। इस महीने में रोसरी के 20 भेद के ऊपर मनन चिंतन किया। ये हम लोगों ने सीखा कि रोसरी प्रार्थना का मतलब है ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करना। ईसा मसीह पर मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार बहुत ही सुंदर प्रार्थना। इस प्रार्थना को करने से क्या क्या चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, मैंने मेरे जीवन का उदाहरण भी बता करके दिया। अनेकों ऐसा चमत्कार हमें सुनने के लिए मिले। आज एक ऐसा एक विशेष चमत्कार के विषय में मैं बोल करके देना चाहूंगा। ये भी इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। हमें मालूम है 1986 में फिलीपींस में एक तानाशाह राष्ट्रपति रहता था, डिक्टेटर प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मार्कोस। आपने सुना होगा, जो इतिहास वगैरह पढ़ते हैं, कितना तानाशाह व्यक्ति था, कितने उसके विरुद्ध में कोई भी आते हैं उनको मरवा डालना, और देश को लूट रहा था, फिलिपियन देश को लूटने वाला व्यक्ति। और उसके पत्नी के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला, उसके पत्नी का नाम है इमेल्डा। लोग गरीबी में तरस रहा है, तड़प रहा है, विदेशी धन आ रहे हैं, ये सब मार्कोस अपने पॉकेट में, अपने खजाने में इकट्ठा करते गए। और उसी प्रकार उनके पत्नी जो इमेल्डा, लाविश जीवन, सरकारी पैसा को ऐसा लूटने वाली व्यक्ति मिले, उसके विषय में लिखा हुआ है 3000 पैर, भयंकर अच्छे अच्छे शूज, चप्पल पहनने वाली, 3000 पैर है उनके पास। इसी प्रकार 1000 पैर पर्सस, बैग्स, जो लेडीज वैनिटी बैग्स, और अनेकों ऐसे चीजें हैं, फैंसी गाउन्स 508, ऐसे ऐसे अनेकों पैसा लूट करके, गरीबों को लूट करके जीने वाला एक डिक्टेटर प्रेसिडेंट था मार्कोस। लोग फेडअप हो गया, लोग चाहते थे इसको कैसे भी इनका जयराज खत्म करें। और दूसरे एक व्यक्ति, एक एक्यूनो, हमें वो भी मालूम है, बेनिंगो एक्यूनो को प्रेसिडेंट बनाने के लिए लोग चाहते हैं, उनके विरोधी पार्टी का है, उनको अगला प्रेसिडेंट बनाएंगे, लोग सब अल्लाह मचा रहा है, इलेक्शन करने के लिए आग्रह कर रहा है। ऐसा बेनिंगो लोगों के सामने जब बड़ा नाम कमाने लगे, मनीला में एयरपोर्ट में उतरते ही ये मार्कोस ने बेनिंगो अक्यूना को गोली मार करके, उनके पत्नी, उनके सब परिवार के लोगों के सामने इसका हत्या किया था। ये भी बहुत बड़ा एक न्यूज था उन दिनों में। और तब लोग फिर सड़कों में उतरे, हंगामा शुरू हो गया, और इस कारण मार्कोस ने ऐलान किया इलेक्शन के लिए। 1986 फरवरी 7 तारीख को इलेक्शन का, फिलीपींस में इलेक्शन का डेट घोषित किया, और इलेक्शन शुरू हुआ। लेकिन मार्कोस जान रहे हैं
ये जो अक्यूना जिसको मार डाला है उसके पत्नी अभी उठ खड़ी हुए हैं, अगला प्रेसिडेंट वो बनेगा, ऐसे ऐसे समझ करके इन्होंने क्या किया इस इलेक्शन में लोगों के बीच में ऐसे हथियारों को भेजा, लड़ाई झगड़ा, हत्या, लूटमार, ये सब शुरू हो करके उस इलेक्शन दिन को इलेक्शन को खत्म करवाया। इलेक्शन तो हुआ लेकिन उसको सही इलेक्शन होने नहीं दिया। उसके लिए मार्कोस मीडिया का इस्तेमाल किया और मिलिट्री का भी इस्तेमाल किया। मीडिया और मिलिट्री को मार्कोस ने अपने हाथ में रख करके ये सब करवाया था। और उसी को ही मार्कोस को ही अगला प्रेसिडेंट घोषित किया गया। तब फिलिपाइन के जनता और नाराज हुआ। मनीला आर्चडायसिस के बिशप कार्डिनल सिन ने उस समय पर जनता के सामने आकर के आग्रह किया शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि इतना लूटमार, मीडिया, मिलिट्री सब जनता के विरुद्ध प्रेसिडेंट के साथ दे रहा है और हत्याएं चल रहा है, कोई भी उसका विरोध करेगा उनका हत्या हो रहा है। यहां पर कार्डिनल सिन ने आग्रह किया शांति बनाए रखो, और प्रोटेस्ट करने का तरीका लूटपाट और मार डालना नहीं है, हम शांति के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए मनीला के आर्च बिशप कार्डिनल सिन स्वयं प्रार्थना भक्ति के साथ शांति के साथ इस मार्कोस प्रेसिडेंट के विरोध करने का निर्णय करते हैं। तो उन्होंने घोषणा यही किया, जपमाला, रोसरी उठाओ और आ जाओ बाहर, घर से बाहर निकलो, हम शांति के साथ प्रार्थना करेंगे। जहां मिलिट्री है, टैंक, पता नहीं क्या क्या बंदूकें रखकर के खड़े हैं, उनके चारों तरफ वे लोग घुटना टेक करके प्रार्थना करना शुरू किया शांति के साथ। जहां जहां मिलिट्री फोर्स है, जहां जहां पुलिस है, जहां जहां मारथाड है, वहां पर रोसरी प्रार्थना करना शुरू किया। सड़कों में लोग उतरे, दिन भर दिन रोसरी करने वाले सड़कों में उतर करके ऐसा संख्या बढ़ना शुरू किया। टैंक लेकर के, बंदूक रखकर के सेना तो आए, लेकिन लोग सेना के सामने घुटने टेक करके जब हाथ में रोसरी उठा करके रोसरी जपना शुरू किया, टैंक के अंदर से सिपाही लोग बाहर निकल करके उनके साथ घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू किया। पुलिस वाले लोगों के साथ मिलकर के शांति चाहिए बोल करके शांति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मार्कोस प्रेसिडेंट ये देखा भयभीत हुआ। कार्डिनल सिन ने घोषणा किया, सब लोग शांति के साथ सड़कों पर प्रार्थना करनो, रोसरी जपो। मिस्सा अर्पित किया गया, प्रार्थनाएं करता रहा। जब प्रेसिडेंट ने देखा फौज भी प्रार्थना में सम्मिलित हुआ, कुछ ही दिन के अंदर अर्थात 26 फरवरी को, 7 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, इसके बाद 26 फरवरी को प्रेसिडेंट मार्कोस और उनके सारे लोग फिलिपियन छोड़कर के भाग जाते हैं। इस प्रकार हाथ में रोसरी रख करके फिलिपियंस के फिलिपिय देश के गलियों में रोसरी प्रार्थना उठा करके जो जब लोग प्रार्थना करने शुरू किया, इसके द्वारा तानाशाह प्रेसिडेंट मार्कोस अपना स्थान छोड़ करके भागते हैं। वहां पर इसके बाद फिलिपाइंस में इसके बाद इलेक्शन होते हैं,
सही व्यक्ति चुन करके आते हैं उस देश से, इसके बाद आगे तरक्की कर रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया रोसरी प्रार्थना के द्वारा, अगला एक बहुत बड़ा मन परिवर्तन देश में शांति लाने के लिए। मनीला के आर्च बिशप कार्डिनल सिन ने घोषणा किया, रोजरी उठाओ, शांति के साथ प्रार्थना करो। सड़कों में उतर करके जब लोग प्रार्थना करना शुरू किया, उस डिक्टेटर तानाशाह प्रेसिडेंट को देश छोड़कर के भागना पड़ा। आज हमें भी यही कार्य करना है। अनेकों लोग क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, झूठे अभियोग लग रहा है। हम प्रार्थना जहां करते हैं वहां पर भी ये धर्म परिवर्तन है बोल करके हमें सताता है। इसलिए सता रहा है क्योंकि हम रोसरी प्रार्थना नहीं कर रहा है। हम उन तानाशाह लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, मिसा अर्पित नहीं कर रहा है। हमें अपने घरों में प्रार्थना करना, अपने पल्लियों में प्रार्थना करना है। रोसरी उठाइए, ऐसे लोगों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। हमारे देश में भी, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में शांति आएगी। निर्णय कीजिए प्रतिदिन रोसरी करने का। और संसार के लिए, संसार के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए रोसरी प्रार्थना करने का। हमें हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, हमारे देश के सभी अन्य अधिकारियों के लिए, डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, कलेक्टर्स, अधिकारी लोग, सबों को हमें इस रोसरी प्रार्थना में लेके आना है। क्रिस्तीय धर्म के विरोध करने वाले लोग, क्रिस्तियों को सताने वाले लोग, उनके लिए रोसरी प्रार्थना में याद कीजिए। रोसरी उठाइए, प्रार्थना कीजिए। यदि हम क्रिश्चियन लोग, सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे, एक दिन प्रभु उन लोगों को घुटने टिकाएगा, उनका मन परिवर्तन होगा। जिस प्रकार मनीला में हम लोगों ने देखा, लोग घुटने टेके, उनके विरोध में खड़े होने वाले फौजी पलटन बंदूक छोड़ करके रोसरी उठाया, देश में शांति आने का कारण बना। देश की शांति के लिए प्रार्थना करें। जो भी तानाशाही कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, हमें प्रार्थना करने के लिए भी नहीं दे रहा है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, रोसरी उठाना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।